तो कौन सा आर्टिकल था बोले लास्ट 16 15 नहीं 15 6 देखो आर्टिकल 16 जीरो रख के लिखोगे चलेगा, रखी लोगे तो नहीं चलेगा। आर्टिकल 16 लिखिए। रोजगार का सभी को समान अवसर। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। उसमें आगे एक पॉइंट लिखना, राज्य सात आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सात आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म जलज कल लिखाया था, धर्म जलज प्लस उद्भव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उद्भव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और प्लस कौन सा आधार था, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, निवास के आधार पर, on the basis of residence। on the basis of residence। आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही लिखना 16(3), ठीक है, उसी में ही 16(3) लिखो। राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। हाँ मां लास्ट शब्द बोलो, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, ठीक है। निवास को अंडरलाइन करो और उसी के नीचे पॉइंट बना, स्टार मार डाल के लिखना, स्टार मार। लेकिन इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार, इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद को है। संसद को अंडरलाइन कर लेना। संसद को है, ठीक है।
सी ए के केस है आर्टिकल 371 जे के तहत कर्नाटक को विशेष प्रावधान मिला हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 371 जे। ऐसी बहुत सारा ए बी सी डी ई एफ डी डी एफ डी एच आई जे के एल एम बहुत सारे हैं, उसमें 371 जे आगे याद कराऊंगा। स्पेशल प्रोविजन जो मिले हुए हैं, जैसे ज्यादा नाटक मत कर करके इलियड किया था, ज्यादा जैसे ज्यादा और नाटक से कर्नाटक, ठीक है, तो 371 जे याद रखना कर्नाटक का है, फिर आगे लाइन से बताऊंगा याद हो जाएगा। तो कर्नाटक में तो क्या क्या हुआ, हैदराबाद कर्नाटक हैदराबाद रीजन है, कर्नाटक में कर्नाटक हैदराबाद रीजन है, वहाँ के लोगों को रोजगार में अवसर दिलाने के लिए क्या रिजर्वेशन वगैरह दे रहे थे, ठीक है, किसके दर पर, निवास के दर पर, ठीक है, ज्यादा प्राथमिकता वहीं के स्थानीय निवासियों को दी जा रही थी। तो एरिया तो आ गया कर्नाटक के अंतर्गत, तो ऐसा नहीं कि कर्नाटक विधानसभा इससे रिलेटेड कानून बना देगा, ठीक है, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना देगी, ऐसा नहीं, ठीक है, कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, सर, ठीक है, कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, केंद्र बनाएगा, ठीक है। उसका एक मैं उदाहरण भी दिया था कि यार जैसे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे को ही बोल दिया जाए आपस में बंटवारा कर लो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कौन करेगा, पिताजी करेगा, ठीक है, वैसे पिताजी करेगा, संसद करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल कर्नाटक हैदराबाद रीजन, कर्नाटक हैदराबाद रीजन कर्नाटक हैदराबाद रीजन में सर क्या बोल रहे हैं, हैदराबाद की बात, रीजन रीजन आर ई जी आई ओ एन क्षेत्र, कर्नाटक हैदराबाद रीजन, गुणधर्म आ रहे हैं आपको, गुणधर्म आ रहे हैं आप लोग, कर्नाटक हैदराबाद रीजन में क्या ये तो बता, कर्नाटक के राज्यपाल को, राज्यपाल मतलब गवर्नर, के राज्यपाल, राज्यपाल को गवर्नर, अब बोलोगे आपको हिंदी टर्म याद रखना कि इंग्लिश टर्म, ठीक है, दोनों टर्म याद रखना, जो टर्मिनोलॉजी है दोनों याद रखना, ठीक है, जैसे राज्यपाल बता दिया, यहाँ पे गवर्नर बताया, बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है, कथा सुन ले, ठीक है, तो राज्यपाल बताया तो उसका वहां पे गवर्नर भी आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है, बाद में फिर गवर्नर बोलूं तो समझ जाना राज्यपाल, और राज्यपाल बोलूं तो समझ जाना गवर्नर, लेकिन बीच में मैं बोलते रहूं और बीच में टोक के ट्रांसलेशन नहीं पूछना, ठीक है, क्लियर जी सर, छह वर्णों को कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत दिन बाद आए समझ आ गया कि खिचड़ी हो गई और की लाइन में क्या है, सही टाइम पे पहुंचे हो, ठीक, तो 371 जे कर्नाटक के, क्या बता रहे हैं, कर्नाटक का जवाब दीजिए, कर्नाटक के राज्यपाल को, शक्ति है कि वहां सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे सकेगा, ठीक है, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे सकेगा, अब नीचे ब्रैकेट में लिख लेना 98th सीए, ठीक है, 98th सीए, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब उसको आप हिंदी में सा लिख सकते हो, सा 98th सीए, यदि सीए बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन
2013 का काम है। ठीक है, 2013 बिगड़ हुआ, 2013 होता है 17 है। एक मिनट रुको, बोले थे बात वापसी आपके लिए कल स्पेशल इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था, आप मिस कर दिए। आप लिखे हो ना नोट्स इंग्लिश में? सर इधर वर्मा सर जी। सर हाँ लिखा हूँ। ले लीजिए अभी नोट्स पूरा लिखा है। ठीक है, 98 संविधान संशोधन 2013, इसमें क्या किया गया है? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को, वहाँ के गवर्नर को पावर दिया कि वहाँ से वहाँ के लोगों को, कहाँ के लोगों को, तो कर्नाटक हैदराबाद रीजन के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दे सकते हो आप, उनको छूट मिलेगी, उनको पावर दिए गए। ठीक है, लेकिन इस संबंध में कानून कौन बनाया? अब 371 जे लाया गया, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। 98 संविधान संशोधन किया गया, मतलब संसद के द्वारा किया गया, संसद के द्वारा किया गया। तो संसद के द्वारा किया गया मतलब पावर किसके पास रहता होगा? संसद के पास, ना कि राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो संसद के पास पावर है, ये बात 16(3) में देखें। तो ये कोई केस नहीं है, ये संविधान संशोधन है। जो ऊपर वाला केस डिस्कस किए, केस मतलब आप समझिए प्रावधान है कर्नाटक के लिए, वो किस आर्टिकल से किए गए? 371 जे, उसका अमेंडमेंट क्या था? 98 से अमेंडमेंट 2000। ठीक है, आर्टिकल इधर 98 अमेंडमेंट से आगे 371 जे। तो ज्यादा नाटक मत कर का क्या रखते हो, जैसे ज्यादा नाटक से कर्नाटक। फिर नीचे 16(4) लिखना, 16(4) राज्य चाहे तो, ये राज्य चाहे तो समाज के पिछड़े हुए लोगों को, ठीक है, समाज के पिछड़े हुए लोगों को, बैकवर्ड क्लास को, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, आरक्षण दे सकता है। ठीक है, आरक्षण दे सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। भैया आरक्षण दे सकता है पिछले वो लोगों को, आरक्षण दे सकता हूँ। आगे लिख लो ब्रैकेट में सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, अभी क्या है पिछले वर्ग के लोग और क्या है सरकारी सेवक? पिछड़ा हुआ वर्ग मतलब क्या? पिछड़ा हुआ वर्ग और ऐसे वर्ग जिनका सरकारी नौकरी में प्रतिनाम सॉरी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे बहुत साल से उनको दबाया गया, ठीक है, समाज में ऊंचा स्थान नहीं मिला, ठीक है, निचला स्थान था, इसके वजह से ना उनको पढ़ने का अवसर मिला, ठीक है, ना नौकरी पाने का अवसर मिला। तो अगर पढ़ने का अवसर नहीं मिला तो आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला, आगे नहीं बढ़े होंगे तो सरकारी नौकरी में उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखेगा, ठीक है,
तो ऐसे वर्ग के लोगों को क्या किया, क्या दिया गया, आरक्षण देने का प्रावधान किया गया 16(4) में। मतलब अल्टीमेटली बोलो 16(4) में रिजर्वेशन है, ठीक है। एसटीएससी ओबीसी को जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है इसमें, इसी में है, ठीक है। अब आर्टिकल 340 एक और है संविधान में, आगे चल के पढ़ोगे अनुच्छेद 340, उसमें पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए आयोग बनाने का प्रावधान करता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत एक कमीशन बना सकता है बैकवर्ड क्लास के लोगों की जांच पड़ताल करने के लिए, उनकी स्थिति देखने के लिए एक आयोग बना सकता है, कमीशन बना सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 340 से बोलता है। तो वैसे ये 1953 में कालेटकर आयोग बनाए थे राष्ट्रपति जी, ठीक है। उस टाइम जो भी तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कमीशन बनाए थे 1953 में कालेटकर आयोग। तो कालेटकर आयोग बनाए, उन्हें सिफारिश भी दी कि है पिछड़े वर्ग के लोग उनको आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ठीक, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही मोरारजी देसाई आए, इंदिरा गांधी की सरकार थोड़े समय के लिए जाती है 1976 में हटती है, ठीक है, 1976-77 में। फिर थोड़े समय के लिए 1977-78 तक कौन था, ये मोरारजी देसाई की सरकार आती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो वो भी एक आयोग बनाती है बीपी मंडल, ठीक है, मंडल बनाती है। बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन बनाती है। उस मंडल कमीशन ने भी सुझाव दिया कि ओबीसी को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना चाहिए, अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देना चाहिए। बोले ठीक है, एसटीसी को तो था ही रिजर्वेशन, ओबीसी को भी देना चाहिए, ऐसे बोला किसने, मंडल आयोग ने, ठीक है। मंडल आयोग ने ये प्रावधान दिया, मोरारजी देसाई की सरकार ज़्यादा दिन टिकी नहीं, 1.5 साल ही टिकी, ठीक है, हट गई। तुरंत फिर से इंदिरा गांधी आई। अब इंदिरा गांधी चाहती थी लागू करना, लेकिन वो क्या था, किसका था, मंडल आयोग का। तो दूसरे सरकार द्वारा गठित समिति कमेटी, उसके जो सुझाव है उसको नहीं मानी इंदिरा गांधी, ठीक है। फिर ये दबे के दबा रह गए पीछे, बहुत पीछे, ठीक है। फिर सीधा 10-11 साल बाद एंट्री होती है किसकी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। उन्होंने अनाउंसमेंट किया वोट बैंक के लिए, कितने देखे कि ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है, 54% पूरे भारत में पॉपुलेशन कितना है, 54%। अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं सरकार में आऊँगा, आरक्षण दूंगा सीधा 27%, मतलब सभी 54% के लिए आरक्षण। बोले ठीक है, सीधा 154 वोट तो उधर ही गिर गए, ठीक। तो ये वोट बैंक की राजनीति खेल दी, जीत भी गए 1990 में। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जीत भी गए, और उन्होंने फिर क्या, ये मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया, ओबीसी को आरक्षण दे दिया सीधे के सीधे 27%, ठीक है। ओबीसी को आरक्षण दे दिया कितना, 27%। और इसके सिर्फ, ना सिर्फ इसमें ओबीसी वाले आरक्षण, जो अभी आप लोगों को 10% रिजर्वेशन मिला हुआ ना, वैसे ही आरक्षण जनरल को भी दे दिए गए थे, जनरल को भी आर्थिक आधार पर। जैसे अभी भी आप आर्थिक आधार पर ही दे रहे हैं, ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड सोसाइटी या ईबी क्लासेस बोल सकते हो, इन लोगों को 10% मिला हुआ है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो उस टाइम भी आरक्षण दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, वीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण दे दिए। तो ये दो आरक्षण मिले हुए थे, एक तो ओबीसी को, और एक जो अभी वर्तमान में ईबीसी मिला हुआ ना, उनको भी 10% आरक्षण मिल गया। लेकिन एक इंदिरा सानी मैडम थी, इंदिरा सानी वैसे सीनियर मीडिया का केस है 1992-93 में, एक इंदिरा सानी वैसे सीनियर मीडिया का केस है, उसने उसको चैलेंज कर दिया कि आरक्षण फिर समानता का अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। ये मामला चले गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, चला मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये लिया कि जो ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है वो सही है, लेकिन जो ईबीसी जो उनको आरक्षण मिला हुआ, जनरल कैटेगरी वाले लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, वो गलत है, ठीक है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कहीं पर भी संविधान में नहीं की गई है, ठीक है। ऐसा बोलकर जो जनरल कैटेगरी वाला आरक्षण था उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन जो ओबीसी को मिला हुआ था वो बने रह गया, ठीक है। तो ये पूरा मामला पहले भी बताया था, लेकिन ठीक है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन दे रहे हो, दे रहे हो 100% रिजर्वेशन कर दिया, ऐसा भी नहीं, 100% रिजर्वेशन कर दिया ऐसा भी नहीं, तो बाकी देने वाले कहाँ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, दे रहे हो 100% रिजर्वेशन, नहीं कितना परसेंट रिजर्वेशन, तो साफ साफ बताया 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, 50% ही मैक्सिमम लिमिट है। फिर भी बोलोगे तमिलनाडु में 69%, तो हाँ दे सकते हैं, विशेष परिस्थिति रहे तो विशेष परिस्थिति, आपको प्रूफ करना होगा विशेष परिस्थिति है कि नहीं है, ठीक है। यहीं पे केस छत्तीसगढ़ वाले मामले में भी बताया था, छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी वहाँ आए, क्या नाम है, भूपेश बघेल जी आए, तुरंत घोषणा कर दी ओबीसी का आरक्षण बना के 14 से कितना 27। फिर एसटी को ऐसी 30% रिजर्वेशन मिला हुआ है, और एसटी के पॉपुलेशन 30% है, और एज इट इज 30% आरक्षण उनको दे दिया गया, ठीक है, आधा नहीं किया है, 30 का 30 उनको आरक्षण मिल गया हुआ है, ठीक है। एससी का पॉपुलेशन है 12% उनको रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है, 42 तो यही हो गया था, ठीक है,
वैलिस हुआ कितना हुआ वैलिस हुआ ठीक है। उसके बाद ओबीसी को भी कुछ आरक्षण मिला हुआ 14% शायद था उसको 14 से 27 कर दिए जितना भी था 50 पहले क्रॉस नहीं हो रहा था 50 के बाद अब फिर जब 14 से 27 करने का प्रावधान किया गया तो क्या 50% वाला नियम टूट गया। उस टाइम भी बताया था ये बात क्या भूपेश बघेल को नहीं मालूम हुआ मालूम था ठीक है लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति खेल के चले गए ओबीसी को तो लुभा दिए कि हाँ ठीक है आइस काका कुछ तो करीस तो कुछ नहीं किए बस बना दिया आपको क्या बना दिए सी सी मतलब चैंपियन बना दिया आपको ठीक है चैंपियन बना दिए और क्या मामला चले गया हाईकोर्ट में स्टे लग गया इस ऑर्डर पे ये जो बोले गए क्या मुझे स्टे लग गया ठीक है कैसी भी विशेष परिस्थिति प्रूफ करूँ तो नहीं कर पाए प्रूफ जिस दिन प्रूफ कर देंगे तो हाँ लागू हो जाएगा 50% से ज्यादा लागू हो जाएगा ठीक है लेकिन कम भी नहीं कर सकते 30% को कम करेंगे 30% का वोट बैंक चले जाएगा ठीक है 30% वोट बैंक छिन जाएगा ठीक है। तो ये था इंदिरा गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। अब ऐसा नहीं कि हमेशा हर चीज वोट बैंक की राजनीति के लिए ही खेला जाता है हर दाव इसी के लिए खेला जाता है ऐसा नहीं कोई सरकार है और वो देश के भले के लिए भी काम करती है कब करती पता है जब उन्होंने कार्यकाल खत्म हो रहा था मालूम कि भाई अगले बार आने भी है क्यों ना कुछ भला करके चले जाए चाहे वोट बैंक जाएगा जाएगा ना ऐसे भी हारने वाले हैं ऐसे भी हारेंगे ठीक है तो उस टाइम कर देते हैं लेकिन शुरुआत में या जिनको जीतने का लालच है तो फिर वो नहीं करते ठीक है। तो तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है लेकिन वो क्या विशेष परिस्थिति के चलते रिजर्वेशन है ठीक है। तो इसमें लिखिए क्या लिखे थे लास्ट ठीक है नीचे पॉइंट लिखिए शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट लिखिए कहानी का सार बता दे रहा हूँ उसमें आप समझ जाओगे ठीक है। 64 के नीचे लिखना आर्टिकल 340 राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा प्रेसिडेंट विल फॉर्म अ कमीशन राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट विल फॉर्म अ कमीशन सर प्रेसिडेंट ऑफ छोड़ दीजिए उसको बाद में लिखेगा ठीक है दोबारा रिपीट किया ना दोबारा रिपीट किया और ज्यादा रिपीट करने में टाइम लगेगा छूटे तो लास्ट में लिख लीजिएगा ठीक है लास्ट में किसी का कॉपी लेके लिख लीजिएगा। इसमें क्या आयोग बनाने का पावर है ठीक है आर्टिकल 340 में नीचे एरो डाल के लिखना 1953 में मतलब उसी से संबंधित था 1953 में काका कालेलकर कमीशन काका कालेलकर आयोग उसी रास्ता में कालेलकर आयोग बना हुआ था ठीक है 1953 में काका कालेलकर आयोग सर 1953 को 53 ठीक है काका कालेलकर आयोग ठीक है। काका कालेलकर डैश करके लिखना पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन आयोग बना तो 53 में कोर्ट कब पेश किया 1955 में नीचे की वजह से उसमें पॉइंट लिख देना 1955 में रिपोर्ट पेश किया गया 1955 में रिपोर्ट पेश किया गया बट ध्यान नहीं दिया गया ठीक है बट ध्यान नहीं दिया गया ये लिख लेना तो पूरा कहानी समझ आ जाएगा उसके पीछे का
सिग्नेचर पॉइंट लिखना। 1978 डीपी मंडल आयोग, आयोग मतलब कमीशन। 1980 रिपोर्ट पेश किया मतलब 1980 में, लेकिन तब तक क्या है इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी, ध्यान दीजिए ठीक है। उसमें नीचे बिल्कुल इंदिरा गांधी ने ध्यान नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने ध्यान नहीं दिया। नीचे पॉलिंग 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग, मंडल कमीशन की सिफारिशों को, सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन को लागू करते हुए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, जस्ट नीचे पॉइंट लिखने को जनरल को भी आर्थिक आधार, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बोल सकते हो, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल बेसिस पर आरक्षण। ठीक है, नीचे कौन लेना चैलेंज्ड इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूओआई, चैलेंज इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूओआई 1992। ठीक है, पूरा कंक्लूजन क्या निकला उसका ये बता देता हूं। नीचे ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर नीचे देखो पॉइंट, ओबीसी रिजर्वेशन डैश संवैधानिक घोषित कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, और जनरल रिजर्वेशन नीचे लिखना जनरल रिजर्वेशन डैश नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक, सर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीचे कुछ बोला उसको एरो बना के लिखना, नीचे एससी करके लिखना, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट एरो बना के लिखना। रिजर्वेशन मैक्सिमम लिमिट 50% एंड नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन।
ठीक है, वो लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं बोल रहे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो मिलता है। तो आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन मिला और इंदिरा सानी वाले बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां उन्होंने बोला कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, पहला चीज उसको भी नलीफाई करने के लिए विशेष प्रावधान लाया, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया, उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। 9 शेड्यूल पहले बता दिया था, ऐसा शेड्यूल जिसमें जो कानून को डाला जाए उसको सुप्रीम कोर्ट वहां पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये बना के डाला गया था पहले अमेंडमेंट को। ठीक है, और दूसरा जो प्रमोशन वाला बात भी बोला उसको भी नलीफाई करने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए गए। ठीक है, नागराजन उसको भी मामला में चैलेंज किया, नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे वाद विवाद हैं और उसका कहानी उधर लिखाने का बहुत सारे वाद विवाद हैं, वरना पता ही नहीं है। ठीक है, तो मामला फंसते रहता है यहाँ पे, कभी इसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फिर पार्लियामेंट एक कानून लाते हैं उसको नलीफाई करने का प्रयास करता है, तो ये चल रहा है। फिलहाल नौकरों में रिजर्वेशन मिलता ही नहीं मिलता एसटीएससी को, ठीक है, लेकिन प्रमोशन में नो रिजर्वेशन किसके तहत बोला गया, इंदिरा सानी वाद के तहत। उसी के नीचे पॉइंट लिखना, तमिलनाडु डैश करके 69% रिजर्वेशन, 69% रिजर्वेशन। ब्रैकेट में लिखना 76 CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आगे लिख देना इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल। इतना लिखे, अब इसमें नीचे में स्टार मार्क डाल के लिखना 9 शेड्यूल डैश करके। नवा अनुसूची क्या होता है, ठीक है, क्या है नवा अनुसूची, नए शेड्यूल डैश कर लिखना, किसी कानून को इसमें शामिल कर दिया जाए तो न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, न्यायपालिका पब्लिक जुडिशरी में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वर्तमान स्थिति क्या है, पूछे कि संविधान नौवीं अनुसूची में बोल दिया मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको समझ लो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकता, जुडिशियल उसका पुनर्लोकन नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट हाथ ही डाल सकता उसमें, लेकिन एक केशवानंद भारती वाला मामला आता है 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है, उसमें यह निर्णय लिया गया कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, कहीं पे भी किया जा सकता है, ठीक है, इवन प्रीएम्बल में भी किया जा सकता है,
लेकिन आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। और अगर ऐसा कोई एक्ट आता है जिससे फंडामेंटल स्ट्रक्चर या मूल ढांचा, ठीक है, मौलिक ढांचा वो हिलता है, ठीक है, वो इफेक्ट होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को रद्द भी कर सकती है, ऐसा केशवानंद भारती वाले मामले में बात सामने आई थी, तो यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे केशवानंद भारती मामले का इस संदर्भ में जिक्र नहीं करेंगे, लिखो पॉइंट नीचे स्टार मार डाल के, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 सर 19 कितना बोले 1973 आगे डैश कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला संसद मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, संसद अमेंडमेंट कर सकती है, बट फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये हो आपका आर्टिकल 16 का था, ठीक है, अच्छा 16 नहीं 16-6 भी लिखना आगे, 16-6 10% रिजर्वेशन फॉर ईबीसी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना 103rd अमेंडमेंट 2019, अभी अभी मोदी जी वाला, ठीक है। अब लिखना आर्टिकल 17 का क्या क्या थे, क्या था बताओ, छुआछूत, बस उसमें अनटचेबिलिटी लिख लेना, अनटचेबिलिटी ऑब्लिक छुआछूत की समाप्ति, इतना लिखना समझ आ जाएगा सर। अनटच एबिलिटी अनटचेबिलिटी ये, इसके बेस पे कई सारे एक्ट बने थे, बताया था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, एसटीएससी एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, एसटीएससी अत्याचार क्या बोलना चाहिए, अत्याचार निवारण अधिनियम, तो एसटीएससी के लिए जो उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए प्रावधान लाया गया था, कानून बनाया गया था, इसका आधार आर्टिकल 17 ही है, संविधान का अनुच्छेद 17 है, ठीक है, बस आर्टिकल 17 में इतना लिखना और उसके बेसिस पे दो एक्ट बने उसको लिखना, ठीक है, 17 करके ऐसा लकीर करके करो, पहला सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955,
सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। और एसटीएससी एट्रोसिटी एटीआरओ सीआई टीवाई एट्रोसिटी एक्ट 1989। एट्रोसिटी एक्ट को बोलते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट को बोलते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और एसटीएससी अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम एट्रोसिटीज में तो होता है अत्याचार, वो कब भी याद कर लेना, एट्रोसिटी में तो होता है अत्याचार। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 18 डैश करके एबॉलिशन ऑफ टाइटल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल उपाधियों का अंत, ठीक है, एक्सेप्शन लिखना है आपको बात दीजिए, एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको, सेना और शिक्षा संबंधी, ठीक है, सेना और शिक्षा संबंधी ठीक है, ये क्लियर हो, कल पीएमएल देख लेना, कल किताब नहीं मिल रही थी तो क्वेश्चन नहीं देगा। प्रस्तावना पढ़े हो ना, आईएएस का क्वेश्चन यूपीएससी का, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, बीच में लास्ट में गैप कर दिया था संविधान सभा में, आज इतने दिनांक को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अर्पित करते हैं, कौन सा डेट मेंशन था बताइए, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की मतलब इंडियन रिपब्लिक की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, मतलब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था प्रीएम्बल के कंटेस्ट में। ठीक है, अब उसमें दिया लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, गणतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पीएचडी दिया था, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब उसका आंसर आपसे कैसे बन जाएगा, किसी में पूरा पीएचडीएलजी दे दिया, प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, सेकुलर, ये सब जो बताया था पीएचडीएलजी, ठीक है, वो पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, लेकिन मैं बताया था कुछ बातें बाद में जोड़ी गई थी, इस्पात समाजवादी पंक्ति, तो पीएचडीएलजी को दिया हुआ है, ठीक है, तो एक पूरा पीएचडीएलजी क्या बोलना चाहिए, सर बाद में लिखिएगा, क्या दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होगा ना, समझा करिए, ठीक है, क्या बार बार कॉपी लेना, तो जिस टाइम वो देख सकते हैं उस टाइम उनको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, तो लास्ट में करिएगा, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को नुकसान नहीं करना, ठीक, तो पीएचडीएलजी वाला पॉइंट दिया हुआ, लेकिन क्या उसमें दो चीजें मेंशन थी, पीएचडीएलजी एक एस मेंशन था और एक पी
ये दोनों क्या थे, बाद में जुड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो आंसर लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये लिया आंसर। आप देखते पीएचडीए जी मार देते, ठीक है, लेकिन मैंने पॉइंट बताया था कि इस बात को बाद में जोड़ा गया था। तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी को छोड़ दिया, ठीक है, फिर समझ पी मतलब पंथ निरपेक्ष छोड़ दिया, या पंथ या दल निरपेक्ष आए तो, ठीक है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसको लिया हुआ है, ऑप्शन दोनों था आपको ध्यान रखना, इसलिए अलग से मेंशन किया कि 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब किससे रिफ्लेक्ट होता है, बोल रहा है जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनाई गई थी, जो बना रहे थे संविधान, ठीक है, उनमें उनका जो विचार थे, उनके जो थॉट्स थे, ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, किसमें रिफ्लेक्ट होता है। ऑप्शन है उद्देशिका मतलब प्रीएम्बल, मूल अधिकार डीपीएसपी मूल कर्तव्य, एक ही ऑप्शन चुनना है प्रीएम्बल में, ठीक है, प्रीएम्बल बताते बताते बताया था, ये पूरा भावनाएं प्रदर्शित करती कि भारत राज्य कैसे होगा, कैसे बनाना है हम लोगों को, पूरी हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने के लिए पूरा मेंशन है वहां पे, ठीक है, क्लियर। ये भी यूपीएससी का 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017। फिर यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्वता की उसी क्रम में उल्लेख किया गया, ठीक है, न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व, मैं बोला था उसको याद करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्रम पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑर्डर पूछा हुआ है, न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व होगा, ठीक है। तो तीन प्रकार के न्याय न्याय मिले थे, कौन सा न्याय, चार न्याय, ठीक है, कैसा जस्टिस, चार जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो पहले यही न्याय है, उसके बाद स्वतंत्रता, गढ़वा स्वतंत्रता, देन समानता एवं भ्रातृत्व, ये बाद में दिया हुआ, ठीक है, पांच प्रकार की स्वतंत्रता, दो प्रकार की समानता और एक प्रकार का भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड, ठीक है, आगे मेंशन है फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड बोला जाता है इंग्लिश में, क्लियर। फिर बिहार पीएससी का क्वेश्चन है, जमाने के लिए पीएचडीएल जी को जमाने के लिए वर्तमान स्थिति, जब अलग से मेंशन करते 26 जनवरी 1950 उस टाइम क्या था तो अलग, अभी वर्तमान में क्या था तो अलग, ठीक है। कभी कभार वो जैसे वर्ड यूज हुआ पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष के अगर धर्म निरपेक्ष दे देगा इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में वैसे के वैसे ही वर्ड रहता है, और प्रभुत्व संपन्न को सार्वभौम लिख देता है, सार्वभौम, ठीक है, तो वर्ड समझ जाना एक ही मतलब होता है, बार बार वही वही क्वेश्चन रिपीट हुए। सेकेंड अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जुड़ा गया, इस पावर बता दिया था, दे सकते हो समाजवादी, और उसमें तीन में से कोई दो भी दिया हो तो ले लेना ऑप्शन, ठीक है, सभी दिया हो तो सभी लेना। समाजवादी कौन से अमेंडमेंट में जुड़ा गया, तो 42nd में, ठीक है, सोशल सोशलिज्म में, फिर सारे वही वही सारे क्वेश्चन रिपीट है। पूछा कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, विच वर्ड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन 1975 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या प्रीएम्बल में कौन सा नहीं जुड़ा था, तो बंधुत्व फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड था क्या, संप्रभु मतलब संप्रभु सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न, समानता, अखंडता, कौन सा नहीं था 1975 में, अखंडता नहीं था, इस्पात जुड़ा गया था 1976 में, तो 75 में नहीं जुड़ा गया होगा, ठीक है। अब बनेंगे सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, एक बार बना के देखना, ठीक है, 43 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है, इसमें से 43 में से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ 10 मिलेंगे, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीटेड है, बस उसको घुमा फिरा के पूछता है। जैसे 1976 में बताया स्पा वर्ड जोड़ दिए, तो पहले कौन कौन से जुड़ा ये पूछता था, अचानक से ये पूछ दिया था, इस 1975 में कौन सा नहीं जुड़ा था, तो 1976 में जुड़ा था वो मालूम रहेगा, 1975 में नहीं जुड़ा था वो मालूम चल जाएगा, तो बस घुमाता है, बाकी कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो बन जाएगा। इसलिए मैं बोला प्रीएम्बल कैज इट इज वो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। इतना देखो देखो कौन सा
समाजवादी है ऐसे समाजवादी, ठीक है, सोशलिज्म। इसे पंथ के पंथ में उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर, इसे अखंडता, तो हिंदी से इस पावर जुड़ा, ठीक है। सेंट्रल वाला पता है, सेंट्रल वाला है ना, सेंट्रल का पता होता है कहां तक लिखे, आर्टिकल 19 लिखिए, आर्टिकल 19 से 22 हेडिंग डालना, पहले शॉर्ट हेडिंग डालना 19 से 22। राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार ना हिंदी में 19 से 22 है, टोटल 4 आर्टिकल। सर राइट्स ऑफ इक्वालिटी और क्या बोले, राइट टू फ्रीडम, वो राइट टू इक्वालिटी कहाँ से सुनिए सर, इक्वालिटी नहीं, लिबर्टी, लिबर्टी, अब लाइन से लिखते जाना आर्टिकल 19। डैश करके लिखना वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें भारी करेगा देखिए इसमें कितने आर्टिकल है 19 के अंदर, अभी 19 1 19 2 19 3 4 5 6, ठीक है, उसमें भी 19 1 के अंतर्गत 19 1 ए बी सी डी ई एफ एफ तक, ठीक है, एफ तक, ठीक। तो 19 1 में तो पूरे इसकी बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है, इसको लगा नहीं है, कौन है ये, इसको लगा बोलो, दरवाजा लगा, नहीं है पूरी स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। अब कैसी स्वतंत्रता कैसे याद किए थे, तो मैन पार्ट के ट्रिप से पूरा लेट कराया था, 6 स्वतंत्रता लाइन से याद होना चाहिए। पहले क्या किया, मैं बोला कि चलो ठीक है मैन पार्ट जाएंगे, अपने विचार व्यक्त किया, ठीक है, भाषण दिया, तो पहला क्या भाषण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर दूसरा क्या बोले कि आप लोग एक काम करते भाई, सबको बुला लो, मीटिंग करा लो सबका, तो सेकंड में क्या मीटिंग करने की फ्रीडम, ठीक है, बैठक करने की स्वतंत्रता। फिर जाने का डिसाइड हो गया, सब अलग अलग गाड़ी में जाएंगे, अलग अलग ग्रुप बना के, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर घूमने गए, ठीक है, घूमने गए, ठीक, फिर घूमने जाने की स्वतंत्रता। फिर पसंद आ गया मैन पार्ट, तो वहीं क्या किए, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, और व्यापार किया, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन यापन करने के लिए कुछ सोच चलाओगे, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब लिखते जाओ, अब उसको पूरा हिंदी में लिखना, जो इसका टर्मिनोलॉजी इंग्लिश होगा उसको बता दो, तो उसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना, ठीक है। 19 एक ए, 19 का एक उसका ए, छोटा छोटा ए, छोटा ए, छोटा ए, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सर भाषण और अभिव्यक्ति, ये तो कोई नहीं खत्म होते हो गया
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन धर्म इनके भी आ रहा है ये भी इनका भी आज पहला क्लास में नहीं दूसरा है अच्छा ठीक है हां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्थिति को सिर्फ दो में समा सकते कोरोना की स्थिति सर मैं मैसेज देखी तो लगा छुट्टी दे रहे हैं क्या मैसेज किए थे ना कोविड वाले रायपुर में हो गया था कल और परसों छुट्टी बोले ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिए एक भी लिखना अब स्वतंत्रता स्वतंत्रता वर्ड बार बार नहीं लिखा रहा उसको स्किप कर रहा हूँ सब समझ आना क्योंकि अपन शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक एक वर्ड पढ़ना होता है एक एक सेकंड वेस्ट करना ठीक है तो बैठक और सम्मेलन करने की बैठक और सम्मेलन ब्रैकेट में लिख लेना बिना हथियार के बिना हथियार के बिना हथियार के उन्नीस एक सी में लिखना सी में बैठा हुआ सम्मेलन मतलब मीटिंग लिख लेना वहां पे ठीक है मीटिंग मीटिंग कर सकते हो लेकिन ऐसे नहीं हथियार लेके चले गए सी में लिखना संगठन ऑब्लिक संघ बनाने की स्वतंत्रता संगठन ऑब्लिक संघ बनाने की ठीक संगठन संघ होता है ऑर्गेनाइजेशन डी घूमने फिरने की घूमने फिरने की स्वतंत्रता ट्रैवल विद इन इंडिया रीजन ठीक है मतलब इंडिया के अंदर बाहर नहीं इंडिया के अंदर ट्रैवल विद इन इंडिया कहीं पे भी ई था रहने या बसने की स्वतंत्रता एफ था व्यापार की स्वतंत्रता ब्रैकेट में लिखना ट्रेड एंड कॉमर्स अंग्रेजी में ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बाकी लिखाने का काम फिर कल करूँगा कल के एग्जाम की तैयारी अब पूछिएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ मेंशन है बोलने की स्वतंत्रता कहाँ कहाँ मेंशन है ठीक है
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता प्रीएम्बल में है क्या? नहीं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और पौष्टिक स्थिति का क्या है? विचार की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में है क्या? अभी क्या नहीं ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 सेकेंड, ठीक। ये बात ध्यान में रखना आपको, और क्या बोल रहा हूँ, बिना हथियार के ही मीटिंग करना है आपको। तो बोलेंगे जब सरदार लोग जाते हैं साथ में तो कृपाण रखते हैं, हथियार हो गया, तो ये 19 एक बी का उल्लंघन ना होके 25 का पालन है, पालन है, ठीक है। तो उसको फॉलो कर रहा है क्या 25 में, तो अपने धर्म के अनुसार अपने रिलीजन के अनुसार लोग व्यवहार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, अनुरूप पालन करेंगे, ठीक है। तो उसका उल्लंघन ना होके इसका पालन। अब सूचना का अधिकार आगे केस आएगा, सर एसपी गुप्ता वाला केस है, तो वो बोला राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस मामले में बात बोला राइट टू इन्फॉर्मेशन भी, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 है, वो भी किस में शामिल है? आर्टिकल 19(1)(a) में शामिल है, विचार एवं अभिव्यक्ति के संदर्भ। कैसे शामिल है? आप कब अपने विचार अभिव्यक्त कर पाओगे, कब बोल पाओगे, कब टिप्पणी दे पाओगे, चाहे वो सरकार के पॉलिसीज के बारे में हो, ठीक है, किसी के भी बारे में, कब टिप्पणी दे पाओगे? जब आपको जानकारी होगी, और जानकारी होगी ही नहीं तो कैसे दे पाओगे? तो जानकारी होने के लिए चाहिए कि आपको जानकारी मिले, और कैसे मिलता है? आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, कोई भी सरकारी संस्था मना नहीं कर सकती आपको जानकारी देने के लिए, ठीक है। आरटीआई लगा दिए, जानकारी देनी पड़ेगी, 10 रुपये फॉर्म आता है, 10 रुपये देना पड़ता है, 10 रुपये शुल्क होता है, जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जानकारी मिल गई, अब आप विचार अभिव्यक्ति कर सकते हो, ठीक है। तो ये सूचना का अधिकार भी किस में आता है? आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, ठीक है। और घूमने फिरने की स्वतंत्रता, तो आगे जाके मैं मेनका गांधी वाला एक उदाहरण दूंगा, ठीक है। तो मेनका गांधी का जब पासपोर्ट जब किया गया, उसको विदेश जाने नहीं दिया गया, तो आर्टिकल वो 21 का उल्लंघन था, ठीक है, उसके 21 अधिकार छीने गए, आर्टिकल 21 को छीना गया, ठीक है। क्यों? विदेश जाने वाला तो एक घूमने फिरने वाला, पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना, ये घूमना फिरना मतलब भारत के अंदर, और वो मेनका गांधी कहाँ जा रही थी? भारत के बाहर जा रही थी, विदेश जा रही थी, ठीक है, ठीक है। इतने में किसी कोई समस्या हो तो बताओ, पुराना रीड करो।